ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਜਾਣ ਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਦਾਨ ਵੇ ਹਾਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਜਾਣ ਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਦਾਨ ਵੇ ਰੂ ਕੁਰਲਾ ਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਖੇਡੀ ਐਸੀ ਚਾਲ ਵੇ यार श्वेता, पिछले दो दिन से हम एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। ये कोई अदालत थोड़ी है यार, जहाँ एक की जीत होगी दूसरे की हार। ये एक रिलेशन है, यहाँ हमें एक दूसरे को गलत साबित करके जीतना थोड़ी है, एक दूसरे की कमियों को समझना है। I'm sorry and I promise मैं आज के बाद आपके मुंह पे फोन नहीं काटूंगी। I hope so. I had my breakfast. आपने किया? अभी बस करने लगी हूँ अभी। ओके कर लो। एंड जिम ज्वाइन कर लिया आपने? नहीं यार, नेक्स्ट वीक से देखूंगी। आप बताओ मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी पापा ठीक हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, कल मम्मी और पापा से। हेलो, हाय विक्की। नहीं नहीं यार, मैंने ऐसे ही फोन किया था। असाइनमेंट कब सबमिट करवानी है? हाँ चलो, ओके बाय। मान एक्चुअली कॉल पे, मैं बात करती हूँ। बाय, टेक केयर। हेलो हेलो हेलो, बोलोगे? किसका फोन था? अरे फ्रेंड का फोन था। कैन यू प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट? मान, फ्रेंड का फोन था। अरे तुम्हारा स्क्रीनशॉट ही तो मांगा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? लो एक सेकेंड। लो। Now who is this Vicky with that yellow heart? Vicky मेरे कॉलेज में पढ़ता था। यार मुझे 3 साल हो गए तेरे साथ रहते हुए। और मैं तुझसे जब भी स्क्रीनशॉट मांगता हूँ ना, हर बार नया लड़का निकलता है। अरे यार बोला ना, मैंने कॉलेज में था मेरे। कल हमारी लड़ाई हो रखी थी तो मेरा बहुत ज्यादा मूड ऑफ था, तो मैंने उसको वीडियो कॉल कर ली थी स्नैपचैट पे। अब उसका नॉर्मल कॉल बैक आया है। व्हाट्स द बिग डील यार? या हर बार नया लड़का, मैं जब भी तुझे पकड़ लूँ ना, हर बार नया लड़का होता है। एक सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय पकड़ लूँ? मैं क्या 36 लड़कों के साथ घूमती हूँ जो तुम पकड़ लेते हो? कुछ तो शर्म करो यार, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। ओके मान लेता हूँ। तुम एक काम करो, स्नैप का पासवर्ड दो। क्यों? अरे पासवर्ड ही तो मांग रहा हूँ, उसमें इशू क्या है? अरे फिर पासवर्ड चाहिए ही क्यों? लिसन, फालतू को टाइम वेस्ट मत करो, मुझे पासवर्ड दो जल्दी। मैं नहीं दे रही। किसी भी बंदे को अनफ्रेंड या चैट रीड की ना, फिर देखियो। पासवर्ड दे। मैं नहीं दे सकती यार। आई सेड पासवर्ड दे। यार क्या है, दिक्कत क्या है तुम्हें? मेरी हर चीज का पासवर्ड है ना तुम्हारे पास, एक काम क्यों नहीं करते हो यार? मुझे जेल में बंद करके रख लो। जब हर चीज का पासवर्ड है तो स्नैपचैट के पासवर्ड में क्या दिक्कत है? लिसन, मुझे नहीं देना मतलब नहीं देना, तंग आ गई हूँ यार मैं इस रिलेशनशिप से। प्लीज लीव मी अलोन। पासवर्ड दो। इस रिलेशन ने वर्क ही नहीं करना। इधर उधर की बातों में मत लगाओ। मुझे पढ़ना क्या मैसेज भेजा है उसने। मैसेज रीड नहीं होना चाहिए। प्लीज यार फोन काटो। पासवर्ड देने में तुम्हारी क्यों जान निकल रही है? चीट कर रहे हो क्या? जो मर्जी समझो। देखो पासवर्ड दो प्लीज। मैंने नहीं देना, मैं पासवर्ड नहीं दूंगी, समझ में नहीं आता एक बार में? बेटा देख, मुझे ना बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। प्लीज पासवर्ड दे दो। नहीं देना मैंने कोई भी पासवर्ड। I have some personal life or not? यार बेटा देखो, हम दोनों एक है ना, तो हमारी पर्सनल लाइफ कैसे अलग हो सकती है? यार मेरी हर चीज का पासवर्ड तो है आपके पास। मेरा इंस्टा आपके फोन में चलता है, मेरा फेसबुक आप यूज करते हो, बस एक स्नैपचैट ही तो बचा है, वो तो एटलीस्ट मेरे को यूज करने दो। बेटा मैं बस पासवर्ड ही तो मांग रहा हूँ, आप बात क्यों बढ़ाई जा रहे हो? अगर सच्ची हो तो पासवर्ड दे दो ना। नहीं मैं गलत हूँ, मैं गलत ही हूँ, बल्कि मुझसे ज्यादा गलत लड़की तो ना आपको इस दुनिया में मिल ही नहीं सकती। सो प्लीज मेरे साथ रह के अपनी लाइफ मत खराब करो। अब मैं फोन रख रही हूँ, वरना बाद में बोलोगे कि मैंने मुंह पे फोन रख दिया। देखो तुम बेमतलब मेरे मन में शक क्रिएट कर रहे हो। करते रहो यार। अच्छा पासवर्ड दो। नहीं देना, समझ में नहीं आता आपको? अच्छा एक बात बताओ। बोलो। कल को हमारी शादी होगी है ना, तो तब भी क्या अपना फोन में ऐसे सिक्योरिटी लगा के रखोगे? तब क्यों रखूंगी, तब तो सब कुछ छोड़ दूंगी ना। अच्छा
मतलब अभी गंद मचा रहा हूँ जितना मचाना है, क्योंकि कल को तो शादी हो ही जानी है। गंद मतलब? सब समझ में आ गया मुझे। ये सारी स्नैपचैट पे स्टोरीज क्यों डलती हैं? किसके साथ मुंह मारे, सब सच बता। जो समझना है समझो। तो तू पासवर्ड दे दे ना, कर दे गलत साबित। जो समझना है समझो। जो चोर होता है ना वो सबसे ज्यादा डिफेंड करता है। जो समझना है समझो। अरे मैं क्या समझूं, मर तू। जिस बहन जिसके साथ मुंह मारना ना मार। फक। देख रहे हो कृतिका कितना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक तो हो गया यार, बट आई थिंक फिर भी तुम्हें एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। हर बार एक नए टॉपिक पे लड़ाई होती है, हर बार। तुम मेरी मानो, एटलीस्ट एक घंटे बैठ के आराम से सारी बातें शॉर्ट आउट करो। एक घंटा? यार पहले ना दिन में 5 घंटे बात करते थे और वो 5 घंटे ना यूँ निकलते थे, पर आज के टाइम में अगर हम 1 घंटा बात कर लेना तो 5 नए टॉपिक मिलते हैं लड़ने के लिए। तब तो बहुत मुश्किल है मंजीत। एक तो ये पर्सनल लाइफ और प्राइवेसी का समझ में नहीं आया मुझे। एक पासवर्ड तो मांगा था, सच्ची है तो दे देती मुझे, फिर बाद में चाहे मैं 10 बातें सुना देती कि हाँ भाई तुम मेरे पे शक क्यों करते हो, तुम इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है। चिल्लाने से कोई सच साबित थोड़ी हो जाएगा यार, और चिल्लाने से कोई सच साबित होता ना तो कोर्ट में हर कोई बेगुनाह होता। अब तुम्हें ये मैसेज आया किसी का? हाँ। अब एज अ बॉयफ्रेंड मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे फोन दिखाओ किसका मैसेज है, और तुम इस बात पे मुझ पर शाउट करो मुझे दिखाओ मत, तो मतलब तुम्हारे मन में चोर है। तुम्हारी बिल्कुल बात सही मंजीत, हमारी जिम्मेदारी होती है हमारे पार्टनर की इनसिक्योरिटीज को खत्म करना। ऑब्वियसली, बट आई थिंक पहले तो ऐसा नहीं था ना। पहले तो सब कुछ बहुत मस्त था, पहले का तो क्या ही बताऊं। 17 नो तोड़ी ना वे मोड़ी ना वे मुख में तू, अखियां नु रोना बड़ा पैना। जादू करी ना शुदाइया जे हाल वे, जिंदगी हसीन जे तू मेरे नाल वे, जीना तेरे नाल मरना भी तेरे नाल वे, जिंदगी हसीन जे तू मेरे नाल वे, जीना तेरे नाल मरना भी तेरे नाल वे। वाह, जब तुम दोनों इतने खुश थे तो ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। खुशी से कोई ब्रेकअप नहीं करता यार, पर जब रिलेशन इतना ज़्यादा खराब हो जाए तो इंसान क्या करे। तो तू दे देती ना पासवर्ड स्नैपचैट का, क्या प्रॉब्लम है जब तू सच्ची है। मानव, सच झूठ की बात ही नहीं है, और मुझे पासवर्ड देने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी यार। अगर प्रॉब्लम होती ना तो मैं इंस्टा और फेसबुक का पासवर्ड भी ना देती, लेकिन जब कोई इंसान बेफिजूल में आपके कैरेक्टर पे शक करे ना बात बात पे, तो बर्दाश्त नहीं होता यार। हाँ ये बात तो सच है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनाना और करना बहुत मुश्किल है। पर ऐसा क्या था स्नैपचैट में? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक लड़का है जो मुझे लाइक करता था। अगर ये मेरे को ऐड देख लेते उसके साथ स्नैपचैट में तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता। तुम उस लड़के से बात क्यों करते हो? मैं नहीं करती बात, किसी से भी नहीं करती मैं बात। मैं उसको रिमूव करना भूल गई थी, और अगर वो देख, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, और ये पोजेसिवनेस सिर्फ उनका प्यार है, क्योंकि वो मुझे खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन नहीं यार, जहाँ ट्रस्ट नहीं है ना वहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये बात तुम उसे बता देती तो इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं होता। मुझे बताने में कोई दिक्कत ही नहीं थी, बट द थिंग इज ट्रस्ट। मंजीत, थोड़ा ट्रस्ट तो तुम्हें भी करना पड़ेगा ना। नहीं यार नहीं, मेरा ट्रस्ट बनवाना उसका काम था, और अगर आज मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है ना तो उसका रीज़न वो है। मंजीत भूल जाओ, सब कुछ भूल के एक बार दोबारा शुरू करो। भूल जाओ स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, तुमने कभी पासवर्ड मांगा था, सब कुछ भूल जाओ और एक फ्रेश स्टार्ट करो। नहीं भाई, मैं उस शक में नहीं आ सकता कि उस स्नैपचैट में क्या था। 3 साल के रिलेशन है, ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। फोन निकालो, फोन निकालो मंजीत, कॉल करो उसे। तो कॉल करना। मैं कॉल करता हूँ।
मुझे दो, मैं मिलाती हूँ। बिजी आ रहा है। बिजी। सी, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उसको कॉल बैक करनी चाहिए या नहीं। तो एक बारी और कॉल कर लो आप। कॉल मैं 100 बार कर लूंगी मानव, मुझे एक बात का जवाब दे दो बस। अगर उसको मेरे ऊपर 3 साल में भी ट्रस्ट नहीं हो पाया तो क्या गारंटी है कि उसको आगे जाके हो जाएगा। अब बस ना एक बात का जवाब देना, मैंने उससे पासवर्ड मांगा, उसने नहीं दिया, उसके मन में चोर है, हाँ या ना? हाँ। बस। बस क्या? ब्रेकअप। जिंदगी हसीन है जे तू मेरे नाल, जिया तेरे नाल मरना भी तेरे नाल। सिक्योरिटी के चक्कर में अपना रिलेशन बचा नहीं पाया। अब आपको अपना रिलेशन बचाना है या नहीं, ये आपके हाथ में है। अपने पार्टनर की इनसिक्योरिटी ख़त्म करना और ट्रस्ट बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रुको 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 रुको, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे सिर्फ 15,000 लाइक कर देना, एंड ये वीडियो अपने सब लव्ड वन के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिस मर्जी के साथ शेयर जरूर कर लेना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेके आए तो प्लीज़ कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और चैनल आ रहे होंगे दोनों, इनको सब्सक्राइब कर लो, एंड ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो। लव यू।